अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हुए टाइटल कैसे बना सकते हैं और उस पर उर्दू कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाके एक ऐप डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है पिक्स आर्ट फोटो एंड वीडियो एडिटर। ये आपको मिल जाएगी, आप इसको इंस्टॉल कर लें और जब भी इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको ओपन करें। इस तरह का इंटरफेस होगा, आप इसमें से जाके ये प्लस को दबाएँ और इधर से आप चूज़ करें पिक कैनवस। पिक कैनवस पे जाएं तो आप किसी भी स्टैंडर्ड कैनवस को चूज़ कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का कैनवस साइज़ चूज़ कर सकते हैं। ये इनमें से कोई बैकग्राउंड आप ले सकते हैं, मैं इस पर वाइट ले रहा हूँ और ये साइज़ ले रहा हूँ 1920x1080। ये 1080 HD के बराबर फ्रेम है, इसको चूज़ कर लिया और नेक्स्ट का बटन दबा दें यहाँ से। अच्छा, अब ये आपका बिल्कुल वाइट कैनवस है, इस पर आप जो भी लगाना चाहें। मैं इसके ऊपर कोई तस्वीर लगाना चाहूँगा और कुछ लिखना चाहूँगा, तो सबसे पहले ऐड ऑब्जेक्ट में जाके मैं फ़ोटो लूँगा और ये मैंने मिसाल के तौर पे फ़ोटो ली है। इसको हम ये यहाँ से पकड़ के क्रॉप कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से, और ऊपर से भी अगर आप छोटा करना चाहें तो क्रॉप कर लें इसको। ठीक हो गया, जब आपके हिसाब से हो जाए तो आप इसको यस कर दें। इसको आप किसी भी अप्रोप्रिएट जगह पे लगा दें जहां आप मुनासिब समझें। इसके बाद आप इसमें मज़ीद तस्वीरें भी ऐड कर सकते हैं जितनी चाहें, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको भी आप क्रॉप कर सकते हैं, यहां से पकड़ें फाइनल कर दें आप इसको। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, कुछ टाइप करना चाहें आप इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एवोल्यूशन ऑफ सलगमा। जब आपको हो जाए आप इसको यस करें। आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, अगर नहीं मुनासिब लग रहा यहाँ पे लिखना आप ना लिखें, आप यहाँ पे लिखते हैं। आप इसको किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं, इसे घुमाकर लिख सकते हैं, टेढ़ा लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे ला सकते हैं। इस वक्त मेरे हिसाब से थोड़ा इसका साइज़ और मैं इसका कुछ फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, ये मैं इसकी फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज़ इसका अंडू करके आप जितनी दफ़ा चाहे मर्ज़ी जहाँ आपको मुनासिब लगे। ठीक है, इसके अलावा इस पर आप उर्दू भी लिख सकते हैं। उसके लिए करना आपको क्या होगा कि सबसे पहले आपको उर्दू फॉन्ट इंस्टॉल करनी होगी, क्योंकि इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट इसमें उर्दू फॉन्ट मौजूद नहीं है। आप इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई उर्दू फॉन्ट नहीं है। ठीक है, आप इसके लिए क्या करें, आप अपने किसी भी ब्राउज़र में जाएँ और ये वेबसाइट खोलें urdufonts.net। इसे जाके जो भी आपको मुनासिब लगे, अच्छी लगे फॉन्ट, आप उसको डाउनलोड करें। ये जमील नूरी नस्तालीक, इसको जाके आप डाउनलोड कर लें। ये एक जिप फाइल की शक्ल में होगी, डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोड होने दें, उसकी जगह हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ
आप देखें इस वक्त ब्लैक सेलेक्ट हुआ हुआ है, आप इसको वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी फ़ॉन्ट जो है इस वक्त डाउनलोड हो चुकी है, ये एक ज़िप फाइल की शक्ल में है। आप इसको सेलेक्ट करें और अगर आपके पास इसको एक्सट्रैक्ट कर लें ताकि ये ज़िप फाइल से फ़ॉन्ट आ जाए। ये फोल्डर है, ये देखें, ये इसमें फ़ॉन्ट है जिसकी एंड में TTF टू टाइप फ़ॉन्ट है। इसको आपने क्या करना है, कॉपी करें और यहाँ पर इसमें कॉपी नहीं करना आपने, इसके आप ऊपर जाएँ, इंटरनल स्टोरेज में जाएँ, तो वहाँ पर आपको ये पिक आर्ट का फोल्डर होगा जिसमें फॉन्ट होगा, यहाँ पे आप कॉपी कर दें, ठीक है। अब आप दोबारा इसमें जाएं और इसमें टाइप करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए अब नया आ गया माय फॉन्ट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो ये ब्लैक में लिखा हुआ है फिलहाल, आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, ये जब हम यहाँ पे करेंगे तो किसी भी जगह पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मुनासिब आ गया है, ब्लैक कलर वाइट बैकग्राउंड के सामने। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, ये आपकी गैलरी में सेव हो चुका है। आप अपने हिसाब से कोई भी तस्वीरें लगा सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लग सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।